बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा। मेरा नाम मोहम्मद खलील है, मैं उर्दू का टीचर हूँ। आज दोस्त के नाम खत पढ़ेंगे। मौसम गर्मा की तातीलात में लाहौर आने की दावत, तो खत का तरीक़ेकार, फिर खत का नफ्स मदून बीते करूँगा, और उसके साथ साथ हम पेज नंबर 129 ता 130 अल्फाज मुतज़ाद भी आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले खत की बात करते हैं। तो खत लिखने का तरीका, सबसे पहले आप लिखेंगे जहानी मरकज। अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं कि मरकज के बाद कॉमा लगा देते हैं या मरकज के बाद फुल स्टॉप लगा देते हैं, ये सब गलत है। सिर्फ आप लिखना है जहानी मरकज, तो इसको बहुत अच्छी तरह से गौर से लिखना है। ये ना कि यहाँ इम्तिहान, यहाँ मरकज, या फिर यहाँ इम्तिहान, यहाँ मराकज लिखा हो, इस तरह नहीं लिखना। सिर्फ आप लिखना है इम्तिहान ही मरकज। उसके बाद आप ये लिखेंगे आठ, आठ के बाद लगाए कॉमा, फुल स्टॉप, कुछ नहीं लगा। उसके बाद लिखेंगे अगस्त 2020। तो उस बात प्यारे दोस्त अली, कोई नाम लिख सकते हैं। उस बात निदाया जरूर लगे, यहाँ कॉमा और फुल स्टॉप नहीं लिखना। उस बात लिखिए अस्सलामु अलैकुम। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि ये अलिफ लिखते हैं यहाँ, इसको बेस करके ये साहब, तो इस्लाम अलैकुम लिखते हैं। ये इस्लाम अलैकुम कोई लफ्ज नहीं है, लफ्ज है अस्सलामु अलैकुम। फिर अक्सर बच्चे क्या करते हैं, अस्सलाम और अलैकुम के बाद वो लगा देते हैं दरमियान में, वो हरूफ आत में से है, तो यहाँ कोई हरूफ आत में से नहीं आएगी। इतना जरूर है आप इस मीम पर पेश लगा सकते हैं। तो फिर उस बार आप नक्श में लिखेंगे, तो उसके बाद आप लास्ट लिखेंगे बस सलाम। तो यहाँ भी अक्सर बच्चे गलती करते हैं, वह इस्लाम लिखते हैं, दरमियान का हिस्सा रेज कर देते हैं, वह इस्लाम कोई नहीं आता, बस सलाम लफ्ज है। फिर आप लिखेंगे आपका दोस्त, यहाँ भी गलती करते हैं। वो क्या गलती है, यहाँ आपका दोस्त है, खत वहां लिख देते हैं वालिद साहब का नाम, और यहाँ लिखते हैं दोस्त, यहाँ पर वहां खत होता है वालिद साहब का नाम, यहाँ पर लिखते हैं दोस्त, तो इस तरह नहीं करना। अगर वहां खत के हैले में वालिद साहब का नाम लिखना, तो यहाँ लिखेंगे आपका प्यारा बेटा। अगर दोस्त के नाम है तो आप लिखेंगे आपका दोस्त, तो फिर उसके बाद आप नाम नहीं लिखेंगे, पर लिखेंगे अलिफ बे और जीम लिखेंगे। तो फिर समाप्त करें, इम्तिहानी मरकज लिखेंगे, आठ के बाद कॉमा लगाएंगे, अगस्त 2020, प्यारे दोस्त अली, अस्सलामु अलैकुम। अब मैं खत लिखने करता हूँ, पेज पर 191 है, 191 है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप माए खाना बखरियत होंगे। कितनी पक्की और गहरी दोस्ती की होती थी हमारे तमाम लड़के मिसालें दिया करते थे, लेकिन अब महीना भर हो चला है कि तुमने कोई खत ही नहीं लिखा। भाई खत को निस्फ मुलाकात कहा जाता है, निस्फ आधी मुलाकात कहा जाता है। एक रुपए के लिफाफे से तो भूख ना क्या करो, तुम अंदाजा नहीं कर सकते तुम्हारा खत आने से मुझे किस कदर खुशी होती है। क्या तुम मुझे इस खुशी से महरूम ही रखोगे? और हाँ सुनो, सरअसल तो यही है, दोस्ती जितनी ज्यादा पुरानी हो उतनी ही ज्यादा पुरलुत्फ होती है। लेकिन मेरा मुशाहिदा है बल्कि तजर्बा ये कहता है कि जब तक दोस्ती को वक्तन फवक्तन ताज़ा न करते रहें, तो निस्फ मुलाकात में भी ताखीर होना शुरू हो जाती है, और फिर आखिरकार दोस्ती आंख उजल बाहर उजल वाला रूप धारकर माजी के धनलिखों में गुम हो जाती है, और पुरानी खुशगवार यादें नए दिलचस्पों के नीचे सिसक सिसक कर दम तोड़ देती हैं। तो साजिद आसिफ भाई, दोस्ती इन पुरानी खुशगवार यादों को जिंदा रखने और ताल्लुकात पैदा करने के एक सुनाई मौका हाथ आ रहा है। तमाम स्कूल मौसम गर्मा की तातीलात के लिए आठ अगस्त को बंद हो रहे हैं। मेरी मानो तो छुट्टियां होती ही लाहौर आ जाओ, मैं मकान की दूसरी मंजिला में अपने लिए कमरा मखसूस कर खास कर रखा है। हम मिलकर छुट्टियों का काम भी करेंगे, और उससे पहर को लाहौर की तारीखी मकामात की सैर भी करेंगे। सारी भाई कह रहे हैं कि वो इन तब्दीलात में हमारा साथी जमात का सारा कोर्स खत्म करा देंगे, जो तालीमी लिहाज से भी खासा फायदा पहुंचेगा। तो मुझे उसके अलावा सफर जमीन लाहौर के सीने में कितनी तारीखी मजहबी तहजीबी रिवायात दफन है, बादशाही मस्जिद, शाही कला, शालामार बाग वगैरह। मुझे यकीन है तुम्हारे अब्बा जान तुम्हें मेरे पास आने की याद देने में जरा तामुल नहीं करेंगे। उनकी खिदमत में सलाम अर्ज किया, उनके साथ प्रोग्राम तय करके मुझे लिखिए आप किस तरीके और कौन सी गाड़ी पर लाहौर पहुंचते हैं, ताकि मैं आपके इस्तकबाल के स्टेशन पर मौजूद रहूं।
अम्मी जान की खिदमत में सलाम अर्ज कीजिए, छोटे बहन भाइयों को मेरी तरफ से सलाम लिखे। बस सलाम लिखेंगे चलिए आपका दोस्त वाले बेजी पेज नंबर 129 है। तो 33 अल्फाज उजाद हैं, ये सुबह शाम दोस्त दुश्मन वगैरह, शाम सुबह शब दोस्त गरम सर मोमिन काफिर जगाना बेगाना। बुक्स भी कुछ रीड करता हूँ, शहर गम शहीद गाजी सुला जंग ताकतवर कमजोर वजूद अदम। और पेज नंबर 30 देखेंगे यकीन शक जगाना बेगाना मकान ला मकान जिवाल उरूज काफिर मुसलमान इस्लाम कुफ्र कुफ्र सच्चा झूठा वगैरह। तो प्यारे बच्चों आज का हमारा टॉपिक मुकम्मल हो चुका है, कुछ बात जिसमें आई हो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो।